हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय इंग्लिश पूजा चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मेरे सारे यूट्यूब फ्रेंड्स ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं ना खिड़की की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो जिस साइड बंद रहता ना हमेशा, मतलब परमानेंटली ये बंद रहता है खिड़की, इसको नहीं खोलती हूँ, तो वहाँ पर ना जाले लग के काफ़ी धूल मिट्टी हो रखी थी। 10 दिनों में या हफ्ते भर में इसको साफ करो, लेकिन धूल मिट्टी जम ही जाती क्योंकि तूफान हवा चलते थे, तो धूल मिट्टी काफ़ी हो गई थी, तो उसी को साफ़ करी और काफ़ी धूल निकली है। और खिड़की वगैरह साफ़ करूँगी, बस यही खिड़की साफ करनी, पूरी खिड़की नहीं साफ करनी क्योंकि पूरी खिड़की में शीशे ही लगे हुए और जो जाली है सिर्फ दो लगे हुए, जिस साइड में खाना बनाती हूँ उस साइड एक जाली लगी हुई और एक इस साइड, मतलब दोनों साइड जाली लगी और बीच में पूरा शीशा लगा हुआ है, तो उसको नहीं क्लीन करना, बस थोड़ा बहुत ही उसको क्लीन करना है, बाहर बाहर कर दूंगी। और इसके ऊपर भी धूल मिट्टी बैठ गई, अब इसको बंद कर दूंगी और ये जाली परमानेंट बंद होती है और शीशा भी बंद ही रखती हूँ क्योंकि पूरी मेरे पूरे कमरे में खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैगा, दीवार तो बहुत कम ही है और खिड़कियाँ ज़्यादा हैगी, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगा के रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे सारे खिड़कियों में पर्दे, अच्छे खासे मोटे पर्दे लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पे भी इस साइड भी धूप आ जाती है, अब मुझे गर्मियों में पतले नहीं मोटे जो है पर्दे होते हैं ना, इस पर्दे को डबल करके लगाना होगा, नहीं तो कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। तो चलिए, खिड़की साफ हो गई और पर्दे भी लगा दिए हैं मैंने, और अब मुझे जो है बाकी की भी क्लीनिंग करनी है। तो ये देखिए, ये सारा हटाना पड़ता है, ये मैंने एक लकड़ का फट्टा है वो लगा रखा है खिड़की के नीचे ताकि ज़्यादा रोशनी ना आए, क्योंकि नीचे भी शीशा ही लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है कमरे में। और ये फ्रिज का तार लगा दिया है और अभी काफ़ी क्लीनिंग आज मुझे करनी है। आज मैंने बहुत सारी क्लीनिंग किया है और जो है बस वीडियो में सारी क्लीनिंग मैंने नहीं दिखाई, थोड़ी बहुत जो हो सका मैंने शेयर किया क्योंकि काफ़ी लेट हो जाते हैं, अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पूरी क्लीनिंग की वीडियो बनाने में, तो कभी हो सका तो मैं आपको पूरी क्लीनिंग की वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। तो ये इस पर धूल मिट्टी ज़्यादा हो गई थी तो इसको भी तौलिया जो है मैं हटा दूँगी और कुछ और अभी इसको धोने के बाद फिर से मैं डाल दूँगी, अभी नहीं डालूँगी, अभी ऐसे रख दूँगी। और मुझे आज अलमारी भी ठीक करनी है क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा अलमारी को बिखेर दिया है, सुबह सुबह अगर वो अपने ड्रेस वगैरह निकालने लग जाते हैं या शाम को अपने कपड़े निकालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बिखेर देते हैं। मैं सोचती चलो अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो अपने कपड़े खुद निकाला करें, लेकिन इस चक्कर में जो है ना बहुत ज़्यादा बिखेर देते हैं, तो फ्रिज को भी क्लीन कर लूँगी और उसके बाद जो है बाकी के भी काम करूँगी मैं। तो ये सारा सामान जो है बर्तन की टोकरी होती है ना जिसमें टिफ़िन वगैरह रखती हूँ, रेगुलर के टिफ़िन वगैरह रख देती हूँ, छोटे मोटे बर्तन तो इसी पर रख देती हूँ मैं, और ये मिक्सर भी फ्रिज के ऊपर ही रखती हूँ तो बस। और ये चम्मच का एक छोटा सा है का ना, उसको भी रख दूँगी। और ये देखो टेबल के नीचे ना काफ़ी सारा जो है गंदगी हो जाती है कई बार, तो काफ़ी दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था, तो इससे सारा सामान मैं हटा के क्लीन भी करूँगी और टेबल के नीचे लगाऊँगी ईंट, क्योंकि ना ऊँचाई इसकी बहुत कम है जिसकी वजह से मुझे रोटी बनाते समय झुकना पड़ता है थोड़ा सा, तो मेरे कमर में दर्द होने लग जाता है झुके झुके से, तो इसलिए मैं इसके नीचे थोड़ा एक एक ईंट लगा दूंगी तो ये ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा टेबल हैगा, ये बच्चों का स्टडी टेबल था जिसको मैं आज खाना बनाने में इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पहले जहाँ मैं रहते थे वहाँ पे किचन थी मेरी, तो वहाँ पे टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस पर बच्चे पढ़ाई करते थे, ये स्टडी टेबल था बच्चों का मेरे, तो उसी पर मैं आज खाना बना रही हूँ। तो क्या कहते हैं, अब इसमें ईंट लगा दूँगी और ये सिलेंडर मुझे टेबल के नीचे करना था लेकिन आया नहीं, तो ये देखिए ईंट लगा दिया है, और पहले ईंट अभी नहीं लगाया, इस पर टाइल्स वगैरह जो लगा रखी थी ना मैंने वो हटा दिया और उसको भी साफ़ कर दूँगी, और टाइल लगाने से कैसा वाइट वाइट सा हो गया पूरा टेबल, कैसा था कैसा हो गया है, तो ईंट लगाऊंगी अब। अकेले लगाया चारों ईंट मैंने, बहुत मुश्किल से ईंट लगी इसलिए मुझे टाइल्स वगैरह भी हटानी पड़ी ईंट लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइल्स भारी हो रखी थी, तो किसी तरह मैंने बहुत मुश्किल से जो है ईंट लगाया चारों तरफ, क्योंकि कोई भी नहीं था घर पे, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो बस मेरा जब दिमाग में आ जाता ना मुझे ये काम करना है तो मैं कर लेती हूँ, किसी का वेट नहीं करती, कोई आएगा तो मेरी हेल्प करेगा तब मैं करूँगी, मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए अकेले उठा के मैंने
जो है ईंट को लगा लिया, चाहे तो सीट लगा दूँगी, थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा तो मुझे झुकना नहीं पड़ेगा और मेरा सिलेंडर जो है टेबल के नीचे भी आ जाएगा। तो ये देखिए हो गया है मेरा, ये भी काम हो जाएगा फटाफट। और बहुत टाइम लग गया था, बच्चे स्कूल से भी आ गए थे, मेरा काम जाके फिर ख़त्म हुआ था, फटाफट किया था इसको, करने के बाद ऊंचा हो गया क्योंकि सारा सामान मुझे बाहर निकाल के बिखेरना पड़ता, पूरा रूम बिखर चुका है इस टाइम। और अभी मैंने झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया हुआ था क्योंकि जब मुझे ये काम करने के बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, तो इसका करने के बाद जो है पूरा सेट कर दूँगी। और मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ और फिर जाके काम करती हूँ क्योंकि मुझे पूजा सुबह करनी होती है। सुबह ही 6:30 या 7 बजे तक मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ और घर का काम जो है लेट होता है क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही मेरा घर का काम स्टार्ट होता है क्योंकि एक ही कमरा है और फिर उसी में ही बैठना उठना, उसी में खाना बनाना। तो इसीलिए मैं झाड़ू पोछा भी बाद में करती हूँ, नहा पहले लेती हूँ क्योंकि एक ही कमरा है, उसी में करना है, कितना काम हैगा जो बाद में नहाऊँगी, इसलिए मैं काम कर नहाने के बाद ही काम सारा करती हूँ। तो ये देखिए नहा लेती हूँ और टी शर्ट पहन लेती हूँ गर्मियों में और फिर बाद में सारे कपड़े जो है सूट सलवार में बाद में पहनती हूँ। और गर्मियों में तो टी शर्ट ही पहना जाता है, सूट सलवार में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसलिए मैं बहुत कम ही सूट सलवार पहनती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ तभी पहनती हूँ शाम को। तो चलिए काम मेरा हो गया है और ईंट वगैरह लग चुकी है, बस सारा कुछ मैं अब सेट कर लूँगी फटाफट। और काफ़ी कूड़ा भी नीचे से निकल गया था क्योंकि होता है ना कई बार नीचे धूल मिट्टी चली जाती है काफ़ी और वहाँ पे तो सामान रखा होता तो नहीं हो पाता है, झाड़ू रोज रोज नहीं लग पाता है तो मुझे सारा सामान हटा के झाड़ू लगाना पड़ता है, उसको पोछना पड़ता है। तो बस सामान को अब सारे लगा दूँगी जैसे रखा हुआ था वैसे ही कर दूँगी। तो चावल की बाल्टी यहाँ पर 2 रखी हुई है क्योंकि एक इकट्ठी चावल हमारे घर पे इकट्ठा आ जाता है 3-4 महीनों के लिए इकट्ठा चावल आ जाता है। तो 2 बाल्टियों में मैं रख देती हूँ चावल, एक में आटा और एक में एक्स्ट्रा सामान रखा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस यही तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।